in the topic continuity, we will discuss about what is limit and what is the need of limit. Suppose let us take an example fx, जिसको हम बोलते हैं f of x, और वो क्या हो सकते हैं, और हम बोल सकते हैं फंक्शन विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x. तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लो मैंने अपने मन से एक एग्जाम्पल मान लिया x स्क्वायर प्लस 5. तो ये fx क्या है, fx है फंक्शन विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x, जो किसके टर्म में डिफाइंड है, x के टर्म में डिफाइंड है. x स्क्वायर प्लस 5 इसकी डेफिनेशन दी रही है. सपोज अगर आप मुझे निकालना है f2, तो f2 का मतलब क्या हो गया, fx का मतलब क्या था, फंक्शन विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x. तो f2 का मतलब क्या होगा, फंक्शन इन विच x इज इक्वल्स टू 2. हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया है, 2. तो फंक्शन विच इन विच x इज इक्वल्स टू 2, तो उसको हम बोलते हैं f2. f2 निकालने के लिए हमने x के प्लेस पे 2 को पुट किया था फंक्शन में, तो फंक्शन की डेफिनेशन में भी x के प्लेस पे 2 को पुट करें, इट विल गिव यू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2, फंक्शन fx एट x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 9. मतलब फंक्शन में x की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो वो 9 देगा वाले. तो ये तो हमने जनरल वे में फंक्शन के टर्म्स में बात करी. अब अगर मुझे यही चीज़ निकालनी होती लिमिट्स के थ्रू, तो हम लिमिट्स के थ्रू कैसे लिखते हैं, लिमिट LIM यूज करते हैं फॉर लिमिट x टेंड्स टू 2. यहाँ पे एरो का मतलब होता है टेंड्स टू, और टेंड्स टू का मतलब होता है अप्रोचिंग. इट मीन्स एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू. यहाँ पे भी हमें फंक्शन नहीं दे रखा, उस फंक्शन की जगह हमें डेफिनेशन लिख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5. और ये क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना है. तो लिमिट निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 5 की, वेयर एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू, जहाँ पे x जो है वो नियरली इक्वल्स टू 2 के बराबर है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी x की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2, पुट x इज इक्वल्स टू 2, वेयर एवर देयर इज x, पुट x इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9. तो हमने एक चीज़ सीखी कि अगर हम फंक्शन से वैल्यू निकाल रहे हैं तब भी 9 आंसर आ रहा है, और लिमिट से वैल्यू निकाल रहे हैं तब भी 9 आंसर आ रहा है. तो फिर फंक्शन और लिमिट्स में क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे फंक्शन जो होता है वो फेल हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, सपोज इफ माय फंक्शन इज डिफाइंड फ्रैक्शनल फॉर्म, अगर मेरा फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म इन द सेंस कि टी अपॉन 2 की फॉर्म में डिफाइंड है. सपोज इफ वी टेक इन दिस एग्जांपल x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, और मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. तो अगर मैं यहाँ पे, और कहाँ पे निकालनी है, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे. तो जैसे हमने पहले किया था x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो f2 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2, जस्ट पुट x इज इक्वल्स टू 2, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे. तो यह आएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 0. और पता है मैथमेटिकल टर्म्स में जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है, तो डिनोमिनेटर में जो जीरो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, इनवैलिड वैल्यू को, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेबल वैल्यू. तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. अगर हमारा न्यूमरेटर में जीरो आ रहा होगा, जीरो अपॉन 5 होगा, तो हम जीरो लिख सकते थे, दिस इज अ वैलिड आंसर. अगर न्यूमरेटर जीरो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो वो एक इनकरेक्ट वैल्यू है, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं आना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर जीरो हो तो चल जाएगा, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो इसका ये सेंस निकला कि अगर मैं फंक्शन से वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ 2 पर, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, ऐसी वैल्यू आंसर में मिल रही है जो कि इनडिटर्मिनेट है, जो कि एग्जिस्टिंग नहीं करती. फिर अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन में लिमिट्स अप्लाई करके देखें, तो हम कंपेयर करेंगे फंक्शन वर्सेस लिमिट्स की, फंक्शन की डिस एडवांटेजेस को लिमिट्स कैसे ओवरकम करती है. फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 माइनस 32, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, तो जाएगा x माइनस 2. सपोज आई हैव जस्ट बिल्ड एन एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, और मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 2. तो
सेम प्रॉब्लम यहाँ पे राइट होगी जो प्रीवियस वन में हुई थी. एफ टू इज इक्वल्स टू 2 to the power 5 माइनस 32 अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 to the power 5 हो जाएगा 32, 32 माइनस 32 अपॉन 2 माइनस 2 विच इज 0. तो यहाँ से जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है 0/0, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ रहा था कि 0/0 इज अ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल यूज करते हैं. ये हुई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो एक्स की पावर 5 माइनस 32 एक्स माइनस 2 0/0 की फॉर्म आ रही है, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है. अब हम क्या करने वाले हैं, हम लिमिट्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. तो लिमिट्स में एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन की फॉर्म दे रखी है तो आपका आंसर क्या होगा, जस्ट n a टू द पावर n माइनस. अगर मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे लिख के देखूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n तो x की पावर 5 माइनस a 2 की पावर 5 माइनस x माइनस 2 जो है 32 था उसको मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया और x माइनस a, तो ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई है जो हमारे पास में. तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n, n की जगह क्या है यहाँ पे n मतलब पावर, जो पावर है वो n है. तो n कितना है यहाँ पे, कंपैरिजन करके n आ जाएगा 5 इंटू a मतलब जिसके टर्म में लिमिट डिफाइन है. तो a यहाँ पे लिमिट जिसके टर्म में जो वैल्यू यहाँ होती है वही यहाँ पे होनी चाहिए, वही यहाँ पे. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2. तो 2 to the power n-1 n कितना है, n है 5, तो 5-1 इज इक्वल्स टू 5 into 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 by 8. तो इसका आंसर 80 आ रहा है, मतलब लिमिट्स के थ्रू आंसर 80 आ रहा है, लेकिन फंक्शन के थ्रू आंसर क्या था, इनडिटर्मिनेट. अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस. इसका हमने क्या आंसर लिखा था, n a टू की पावर n माइनस 1. अच्छा, अभी हमने एक चीज़ देखी, हमने फंक्शन में वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आया 0/0, ठीक है. और कई बार ऐसा होता है कि हम फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं और आंसर आ गया ∞/∞. तो 0/0, ∞/∞ या इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी माइनस 0, इस टाइप के जो ये फॉर्म्स होते हैं इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. इसको आप इन्फिनिटी माइनस 0 के आगे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इस तरीके के जो फॉर्म्स आ रहे हैं जिनको आप आगे सॉल्व नहीं करते वो भी कर सकते हो, तो ये होगी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. अभी हम मेनली बात करेंगे 0/0 और ∞/∞ की फॉर्म. अगर आपके क्वेश्चन में सपोज वैल्यू फिट करने पे 0/0 आ गया या फिर ∞/∞ का टर्म अराइज हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सी. लेट अस टेक अ सिमिलर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 माइनस 8 अपॉन x माइनस 2. ऑल दो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकती हूँ, बट अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा हूँ तो x इज इक्वल्स टू 2. अगर x के प्लेस पे डायरेक्टली 2 पुट करें, फॉर्मूला यूज नहीं करें, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 2 की पावर 3, x की जगह पे 2 आएगा तो आएगा 2 की पावर 3 माइनस 8 अपॉन x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 अपॉन 0, 2 माइनस 2 0 विच इज इक्वल्स टू 0/0. तो हम जैसे कि हमने जो फंक्शन की जगह पे x की जगह पे 2 पुट किया फंक्शन में, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0/0 की फॉर्म आ रही है, जो कि कैसी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट. तो इस टाइप की फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमारे सिलेबस में जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में, एफ एक्स का मतलब न्यूमरेटर और जी एक्स का मतलब डिनोमिनेटर, और जो फंक्शन में लिमिट लगाई आपने अप्लाई करी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एक्स टेंस टू ए का मतलब फंक्शन में ए पुट करने पे, एक्स के प्लेस पे ए पुट करने पे जो आपका आंसर आया वो किसके बराबर आ रहा है, 0/0 के बराबर आ रहा है। मतलब एल हॉस्पिटल रूल को लगाने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि लिमिट पुट करने पे आपका आंसर 0/0 के बराबर आना चाहिए, या फिर ये सेम रूल एप्लीकेबल होता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगर आपका आंसर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है तब भी आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो इफ इन केस इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन या कंडीशन अराइज हो रही है तो एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन रूल मतलब वो जो यू अपॉन वी मेथड हमने पढ़ा था 11th क्लास में वो हम अप्लाई नहीं करते हैं। एल हॉस्पिटल में इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होता है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, तो हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को, और उसके बाद में उसमें अप्लाई करेंगे लिमिट। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने डिफरेंशिएशन किया और फिर लिमिट अप्लाई करी और दोबारा से कौन सी फॉर्म अराइज होगी, 0/0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब जैसे हमने फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, अब ऐसे केसेस में फिर हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम सीखेंगे। हमने सीखा एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में और लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स टेंड्स टू ए और फॉर्म कौन सी क्रिएट हो रही है 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम क्या करेंगे एक्स टेंड्स टू ए रखने से पहले फंक्शन का क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। इस सेम रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हुए लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स की पावर 3 माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर मैं 2 डायरेक्टली पुट कर दूँ, इफ आई विल पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 पुट करेंगे 2 की पावर 3 8 माइनस 8 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0/0, तो हमें लिख देंगे 0/0 की फॉर्म क्रिएट होगी। मतलब हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हमने 2 रखने की कोशिश तो करी थी बट एग्जाम ने बट पुट करने में वैल्यू कौन सी फॉर्म में आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रही है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले हमने उसकी कंडीशन ऑलमोस्ट चेक कर ली है कि 0/0 की फॉर्म आ रही है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 किसका डिफरेंशिएशन करना है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो पहले मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स की पावर थ्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस 8 इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से आ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 3x² अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 3x², ठीक है। अब हम लिमिट को पुट करके देखेंगे, तो अगर मैं अब x की जगह पे 2 पुट करूँ तो x इज इक्वल टू 2 ए, तो यह आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब लिमिट लगाने की जरूरत है कि हम एक्स की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा 3 2² 2 की पावर 4 3 12 तुम्हारा आंसर है 12, ठीक है। तो हमने एल हॉस्पिटल के रूल को सॉल्व करा, हमारा आंसर कितना आ रहा है 12। अब हम सेम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसका तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस ए। यहाँ पे एन क्या होता है पावर, एन कितना है यहाँ पे 3, तो 3 × ए, ए क्या है 2 की पावर एन माइनस 1, एन कितना है 3, 3 माइनस 3 माइनस 2 की पावर 4 × 3 तो 12 आया और एल हॉस्पिटल यूज करके ओके लैम। नाउ जस्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सपोज अब मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 7 इन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें स्टेप नंबर 1 किया, पुट द लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स के लिए 0 पुट कर दिया अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या आएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होगा, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपॉन x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0। तो यहाँ से हमें कौन सी फॉर्म मिल रही है, हमें मिल रही है 0/0 फॉर्म, और
जीरो बाई जीरो की फॉर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है. तो नाउ वी विल यूज एल हॉस्पिटल्स का रूल यूज करके क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो e टू की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो e टू की पावर साइन एक्स का, e टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू की पावर एक्स. अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू कॉस एक्स. यहाँ पर हमने चैन रूल लगा दिया, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स. माइनस वन, माइनस वन क्या होगा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन. अब अगर मैं लिमिट पुट करूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँ तो क्या आएगा, e टू की पावर साइन 0. साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है हमारा 0. तो e की पावर 0 जाएगा 1. 1 इंटू कॉस 0, तो 1 इंटू कॉस 0 अपॉन 1. और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर क्या रहा है, 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x की पावर 5 माइनस 1. अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँ, पुट x एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 0 1, 1 की पावर 5 1, 1 माइनस 1 0. 1 प्लस एक्स की जगह पे 0, 1 प्लस 0 1, 1 की पावर 3 1, 1 माइनस 1 0. अगेन 0 बाई 0. हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे एल हॉस्पिटल्स. ध्यान देगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 आ गया जाएगा 5. 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 4, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 3 आ गया जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0. ठीक है, अब अगर मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करूँ तो कितना आएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 1 चल जाएगा 5, और 1 की पावर 0 1 यहाँ पे जाएगा 3, आंसर आ रहा है 5/2. तो अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आंसर है 5/3. इस तरीके से हमने मैटर्स को सॉल्व करें. अच्छा, वो इस क्वेश्चन में x की जगह पे 0 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0.